ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रीमद् भगवद गीता के भारतीय सांस्कृतिक परिपेक्ष में श्री राम एवं श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन विषय पर रविवार को तीसरे दिन कथा व्यास जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज विद्या भास्कर ने व्यासपीठ से कहा कि भागवत पुराणों का तिलक है, कथा के पूर्व जो कीर्तन करते हैं उस कीर्तन से भक्ति अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो कीर्तन में वास करते हैं। मान की भावना से ऊपर उठकर जो दूसरे को मान देते हुए कीर्तन करता है उस भगवान स्वयं उसके समीप आते हैं। ज्ञान व भाव है जो नीरस में भी रस देख ले, कीर्तन में तो रस भरा पड़ा होता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तों को छोड़ता नहीं हूँ और ना ही भक्त मुझे छोड़ता है। कथा को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान तो कड़कड़ में है, वह भक्ति और ज्ञान से पहचाने जा सकते हैं। जो भगवान को पहचान लेगा वह संपूर्ण जगत को प्रणाम करता है। हमें राम मंदिर के निर्माण के इतिहास को जानना होगा। राम भक्तों की सरकार केंद्र और प्रदेश में नहीं होती तो सब कुछ तुष्टिकरण की भेंट चढ़ गया होता। उन्होंने कहा कि भागवत की कथा का तत्व यही है कि भगवान श्री कृष्ण की तरह सोचे। मठों के बारे में बताते हुए कथा व्यास ने कहा कि मठ वह है जो छात्र आदि का निलय, अर्थात जहाँ छात्र पढ़ते हों, जहाँ संत रहते हों, जहाँ गाय रहती हैं, और इन छात्रों को शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि राष्ट्र पर जब संकट आवे तो सेना में सीधे भर्ती हो जाएं और राष्ट्र की सेवा करें। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति व भारत देश के साथ बहुत सारा षड्यंत्र रचा गया, हमें अपने वैदिक संस्कृति को भुलवाने का प्रयास किया गया। हम मनुष्य भगवान मनु व आज माता शत्रुपा के संतान हैं। भाषा विज्ञान के माध्यम से उन्होंने समझाया कि फारसी भाषा में हवा शब्द संस्कृत सतरूपा शब्द का अपभ्रंश है। हमारे शास्त्रों को मूल रूप से समझने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी पदार्थों के सेवन करने का नियम है। विज्ञान भी कहता है कि नियम के विपरीत सेवन करने से वरदान भी अभिशाप बन जाता है। कथा का समापन आरती और प्रसाद वितरण से हुआ। सपत्नी आप सभी।